हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ। और अभी मैं अपने लिए दो ब्रेड सेक रही थी। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, काम में भी बिजी रह गई और थोड़ा भूख भी नहीं थी इतनी, तो फिर इग्नोर कर दिया। अभी 11 बजे का टाइम था तो चाय बनाई, साथ में दो ब्रेड ले लूँगी, क्योंकि अभी फिर हैवी ब्रेकफास्ट कर लेती फिर दोपहर का मिस हो जाता। ब्रेड को मैंने थोड़ा क्रंची कर लिया, उसके ऊपर नमक और अजवाइन डाल के फिर चाय का कप ले लूँगी साथ में। और चाय में डालूँगी अपने फेवरेट कप में, जब भी मुझे आप देखोगे ना इसी कप में पीते देखोगे। ये क्या अंदर से स्टील का है तो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती इसमें चाय, और मुझे गरम गरम अच्छी लगती है चाय, ठंडी में नहीं पी सकती। फिर और भी है कप, पर ऐसा रहता है ना, हर घर में होता होगा ऐसे कि जो अपने मन को लगते हैं ना कप भी, हाँ इसी में चाय पीनी है, इसी में दूध रख के होते हैं ऐसे अपने फेवरेट, तो उन्हीं को चूज़ करती हूँ। बाकी कोई गेस्ट आता है तो फिर दूसरे निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सूट काटने लग गई थी तो सोचा पहले इसको काट के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज सिलना था, फिर नहाऊँगी बाद में। बाकी ये काम मैंने सारे कर लिए थे, झाड़ू पोछा डस्टिंग कपड़े वगैरह धो दिए, मतलब जितना भी होता है। और फिर उसके बाद नहा के आई, साथ में ये प्रेस करने लगी, तो प्रेस के लिए भी ज़्यादा कपड़े नहीं थे, इन दोनों की यूनिफॉर्म ही थी, एक इनकी शर्ट थी, तो इतने मतलब इकट्ठे नहीं करते, क्योंकि इस काम में अगर हम आलस कर लेना तो फिर पीछे पीछे रहता है काम, थोड़ा हो तभी निपटा दे तो अच्छा है, और करना भी हमें ही है ना, कोई और करने वाला हो तो फिर छोड़ भी दो काम भी, चलो कोई नहीं मैंने नहीं किया वो कर लेगा, ऐसा है। तो मेरी कोहनी पे चोट लगी है, वो देखो ब्लैक ब्लैक हो रही, वीडियो में ज़्यादा नज़र आ रही, ऐसे नहीं पता चल रहा था। तो प्रेस करके कपड़े रख दिए, और दोपहर का टाइम हो गया था खाने का, फिर मैंने आलू बढ़िया की सब्ज़ी बनाई, आटा लगा दिया, इनको पूछ रही थी खाने के लिए तो मना कर रही थी अभी भूख नहीं है, फिर मैंने सोचा जब तक मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ जब कहोगे तो मैं बना दूँगी, और टाइम अगर मैं सोचूँ कि मुझे फ्री टाइम मिलेगा तब मैं स्टिचिंग करूँगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम तो उतना ही है, बस चुराना है हमें इस काम के लिए। तो फिर मैंने चुरा लिया और अपना बॉटम आज कंप्लीट कर दिया था पूरा। ये कॉटन का सूट है, सर्दी में नहीं डलेगा, पर अभी मतलब मौसम है कि डल जाएगा ये अभी के मौसम में, जैसे बच्चों को शौक रहता है ना नए कपड़े का, तो सेम मुझे हो रहा था कि फटाफट इसको सिल के डाल लूँ, इसीलिए सिलने बैठ गई उसे। और फिर खाना पीना किया, और अभी शाम का टाइम है, फिर यू भी अपना स्टडी कर रहा था, ये यूट्यूब पे आते हैं इसके लेसन NCERT के सिलेबस के, तो वहीं से कर रहा था, और थोड़ा बहुत बच्चे को देखना भी पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया का सबको पता ही है कैसा है, अच्छी चीज़ें भी आती हैं बुरी भी आती हैं, और हमें ये निगरानी रखनी पड़ती है कि हमारा बच्चा क्या देखता है उस पर, और सब पेरेंट्स करते होंगे ऐसा, बस तरीका अपना अपना है सबका। अभी है रात का टाइम और इनकी फरमाइश थी कि ब्रेड पकौड़े खाने हैं, उसी की तैयारी चल रही थी यहाँ पे, थोड़ा सा बेसन छान के मैंने घोल तैयार कर लिया, बाकी जो बेसन था वो डिब्बे में खाली कर दूंगी, क्योंकि नया पैकेट काटा था ये मैंने, पहले का ख़त्म हो गया, फिर इसको डिब्बे में भर के रख दूंगी। और इन्होंने थोड़ा लेट बोला, नहीं तो मैं इसकी स्टफ़िंग के लिए भी, पनीर की स्टफ़िंग बनाते मतलब पनीर लाना पड़ता, और चलो आलू तो थे घर पे पर उसमें टाइम लगता, फिर ये बोले कि ऐसे ही बना दे, तो हरा धनिया रखा था उसी से फिर चटनी बना के ना ब्रेड में लगा दिया, उसी से मतलब फिलिंग कर दी ब्रेड पकौड़ों की, और अच्छे बन गए थे, टेस्टी बने, जितनी जल्दी में बनते हैं वो ज़्यादा टेस्टी बने। पहले ये पूरा क्लीन करूँगी फिर बनाऊँगी अभी ब्रेड पकौड़े, और हर किचन में रहता ही है यार इतना खलारा, कितना भी क्लीन कर लो कुछ बनाओ तो फैल ही जाता है सब कुछ, साथ ही साथ क्लीन करते चलूँगी वैसे मैं तो। और यहाँ पे फिर मैं ब्रेड पकौड़े बना दूँगी, इनको गर्मा गर्म दूँगी साथ ही साथ।
गरम गरम ब्रेड पकौड़े तैयार हैं, आप सब भी आ जाइए। और मेरा ये आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जिन्होंने मेरी ये वीडियो देखी है वो प्लीज़ पिछली वीडियो भी देखें। और मिलती हूँ कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।